अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जनरल साइंस सातवीं जमात और सबक एक। तो सातवीं जमात में आपको कुल 20 सबक हैं, और पहला सबक है जानदारों की दुनिया, तवाफुक और जमात बंदी। जानदारों की दुनिया, जानदार जो लफ्ज़ है उससे आपके समझ में आ जाता है कि इसमें जान और दार ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, और जिसमें जान होती है ऐसे ही जो अशिया है उनको हम जानदार कहते हैं। इनकी दुनिया के बारे में हमें इस सबक में पढ़ना है, किस तरह की ये दुनिया है। दुनिया में हमें तरह तरह के जानदार नज़र आते हैं, नबातात हैं, हैवानात हैं, खुद भी नहीं जानदार हैं। और इनकी तवाफिक मतलब ये किस तरह से अपने माहौल में अपने आप को एडजस्ट करते हैं, और इनकी जमात बंदी जिस तरह से आप लोगों की जमात होती है। आप लोग कुछ सिक्स सेवन्थ में, कुछ एट्थ में, अलग अलग जमात में आप लोग पढ़ते हैं। इसी तरह से अगर हम जानदारों को अच्छे से उनकी स्टडी करना चाहते हैं, उनके बारे में मालूम जानना चाहते हैं, तो उनकी जमात बंदी करना ज़रूरी है। साइंसदानों ने अलग अलग तरह से इनकी जमात बंदी की है। यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है, ज़रा याद कीजिए किन किन खसूसियात से जानदारों का तनु मालूम होता है। जानदारों का तनु का मतलब है यहाँ पे कि जानदारों में फ़र्क पाया जाता है। जैसे बहुत से नबातात हैं लेकिन तरह तरह के हैं, कोई पानी में रहते हैं, कुछ जो ज़मीन पे उगते हैं, कुछ जो बेल होती हैं, किसी में फूल होते हैं, किसी में फूल नहीं होते। इस तरह से अलग अलग हैं जानदार में हैवानात भी अलग अलग तरह के हैं, कोई ज़मीन पे रहते हैं, कोई पानी में रहते हैं, कुछ उड़ते हैं। ये जो तनु है इसके बारे में इन्होंने याद दिलाया। ज़मीन पर कई किस्म के नबातात मौजूद हैं। यहाँ पर फिर आगे इसी के बारे में बात की है कि जहाँ तरह तरह के नबातात हैं, किसी में मुख्तलिफ रंग के फूल खिलते हैं, कोई पानी में रहते हैं, कोई रेगिस्तान में रहते हैं, और कुछ ऐसे भी नबातात हैं जो खुर्दबीन यानी हम जब माइक्रोस्कोप से उसको देखेंगे जब भी नज़र आएंगे, वैसे हमें आँखों से नज़र नहीं आते। कुछ बर्फानी इलाकों में होते हैं, कुछ हैवानात जो हैं वो अलग अलग जगहों पे जैसे हवा में, पानी में, इस तरह से रहते हैं। नबातात की तरह हैवानात में भी तनु पाया जाता है। इसमें यखल भी होते हैं यानी जो जिन खुलियों से वो बने हुए हैं, वो एक भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। कुछ फिक्री होते हैं, कुछ गैर फिक्री यानी रीढ़ की हड्डी किसी में होती है, किसी में नहीं होती। कोई जल थैले हैं जो पानी और ज़मीन दोनों में रहते हैं जैसे मेढक। इस तरह रेंगने वाले हैं जैसे छिपकली है या सांप है। इस तरह से हमारी दुनिया जो है तरह तरह के हैवानातों से भरी पड़ी है, और ऐसे माहौल को देखकर ये सवाल पैदा होता है कि जानवरों में इस कदर तनु किस वजह से पैदा हुआ होगा। अभी हम ये सोचें कि अलग अलग जानदार क्यों हैं, किस तरह से इतने तनु इसमें पाया जा रहा है। अभी यहाँ फिर से एक बताइए तो भला कहकर इन्होंने कश्मीर और राजस्थान के इलाकों में पाए जाने वाले नबातात और हैवानात एक ही किस्म के होते हैं, ऐसा सवाल पूछा है। क्या एक ही जैसे होते हैं? कश्मीर और राजस्थान में अगर हम देखें तो नबातात और हैवानात एक जैसे नहीं हो सकते। आप इनमें कौन सा फ़र्क बता सकते हैं? इनमें बहुत से फ़र्क रहते हैं जो हम आगे भी देखेंगे और समझ में आएगा कि जो कश्मीर हो या राजस्थान हो, इनका जो माहौलियात है वो अलग अलग है। इनकी हवा पानी, इनका मौसम, इनका माहौल, उसी हिसाब से वहाँ पे हैवानात और नबातात मिलते हैं। कश्मीर जैसे सर्द इलाके में बड़े पैमाने पर देवदार, सनोबर जैसे मखरूती दरख्त पाए जाते हैं। राजस्थान जैसे रेगिस्तानी इलाके में सिर्फ बबूल, नागफनी जैसी नबातात उगती है। यहाँ पर नागफनी की शक्ल आपको नज़र आ रही है, किस तरह की होती है, ये शक्लें हैं जो रेगिस्तानी इलाके के जानदार हैं उनकी शक्लें दी हुई हैं। हैवानात भी हैं इसमें, ये दिख रहे हैं, और नबातात भी हैं। तवाफुक, अब यहाँ पर तवाफुक की तारीफ दी हुई है जो कि आपको सवाल जवाब में भी काम आएगी कि तवाफुक होता क्या है। हर जानदार जिस माहौल में रहता है उससे मुताबकत कायम करने के लिए उसके जिस्मानी आज़ा और जिंदा रहने के तरीके में वक्त के साथ साथ होने वाली तब्दीली को तवाफुक कहते हैं। यानी जिस माहौल में जानदार रहता है उसके हिसाब से उसके जिस्मानी आज़ा होते हैं, और ज़िंदा रहने के तरीके में भी वक्त के हिसाब से तब्दीली होती रहती है, उसे ही हम तवाफुक कहते हैं। जो चेंजेस आते हैं, जो बदलाव आते हैं, उनको ही तवाफुक कहते हैं। यहाँ एक बॉक्स दिया हुआ है, नबातात में तवाफुक किस तरह से हो सकता है, इसके लिए इन्होंने ये
मुशाहिदा करने के लिए जदूल दी है, नबातात मिस्किन कहाँ रहते हैं, उनकी जड़ की किस्म कैसी है, उनके पत्तों की खसूसियत कैसी है, तने की खसूसियत कैसी है। तो साइंस में आपको ज़्यादातर यही काम है कि आप मुशाहिदा करें, अपने आसपास की चीज़ों को देखें, समझें किस तरह की चीज़ें हैं इस दुनिया में और उनमें क्या फ़र्क है और क्या एक जैसा मसावी है, क्या किस तरह की उनकी बनावट है। अब कमल के फूल को इन्होंने बताया पानी में रहता है, उसकी जड़ की किस्म रेशेदार है, गोल फैला हुआ बड़ा मोमी तह वाला पत्ता रहता है और इसकी तने की खसूसियत से बसला। तब नागफनी के बारे में पूछा जा रहा है, इस तरह के आपने कैक्टस के पौधे देखे होंगे, इनमें ये कहाँ रहते हैं, ये रेगिस्तानी जगहों पे या ज़मीन में ही रहते हैं, इनकी जड़ की किस्म भी रेशेदारी है, इनके पत्तों की खसूसियत क्या होती है, ये बहुत कांटे जैसे हो जाते हैं बारीक बारीक ताकि इसमें से पानी भाप बनकर ना उड़े, इनके तने की खसूसियत नरम और मोटे तने रहते हैं। बरगद जो है वो ज़मीन पर रहता है, इसकी जड़ की किस्म असल जड़ है, इसमें भी पत्ते आपने देखे होंगे दिल की शेप के पत्ते रहते हैं और तने की खसूसियत ऐसी कि बहुत सख्त तना रहता है और इसकी जो चौड़ाई है या इसकी जो तने का दायरा जो रहता है वो बहुत बड़ा रहता है। अच्छा, बड़े बड़े दरख्त रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे आबी नबातात में तवाफुक। आपके इलाके में नदी, नाले, तालाब, झील जैसे आबी ज़खायर का मुशाहिदा कीजिए, बर्री और आबी नबातात में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है। तो अगर हम अपने आसपास देखें तो हमारे आसपास बहुत सारे पानी के ज़खायर हैं, जैसे हमारे आसपास समुद्र हो सकता है, नदी नाले कुछ जहाँ जगहों पे पानी जमा होता है, ऐसी जगहों के नबातात पे आपको मुशाहिदा करना है और देखना है कि उनमें और ज़मीन में रहने वाले जो नबातात हैं उनमें क्या फ़र्क है। आबी ज़खायर में पाए जाने वाले नबातात में चंद नबातात की जड़ें तह नशीन मिट्टी में मजबूती से गड़ी हुई होती हैं, यानी रहते तो पानी में हैं लेकिन पानी के नीचे की जो तह है जिसमें ज़मीन में मिट्टी भी है उससे उनकी जड़ें गड़ी हुई रहती हैं। इनके तने पानी में डूबे हुए होते हैं जबकि पत्ते और फूल पानी पर तैरते रहते हैं। कुछ नबातात जड़ों के साथ पानी पर तैरती हैं, कुछ ऐसी भी होती हैं जिनकी जड़ें ज़मीन से जुड़ी हुई नहीं रहती, वो पानी में ही जड़ें भी रहती हैं और उसी में पूरा उसका पौधा रहता है। पानी की तह में देखने पर वहाँ भी कुछ नबातात नजर आती हैं, कंवल आभी संबल जैसी नबातात के डंठल नरम खोखले और लचकदार होते हैं। इनके जो शक्ल यहाँ पर दी हुई है जैसे कंवल का डंठल दिख रहा है, यहाँ पर आपको इसमें छेद दिख रहे हैं या गड्ढे जैसे दिख रहे हैं, इसमें हवा रहती है नरम ताकि ये पानी में आराम से तैर सकें। ये जो पत्ते रहते हैं चौड़े चौड़े फैले हुए ताकि फैले रहते हैं पानी की सतह पर, और इसका जो तय है वो मोमी रहती है जिसकी वजह से पानी इसके अंदर नहीं जाता। कंवल के फूल यहाँ नज़र आ रहे हैं और पत्ते भी जो पानी के ऊपर तैरते हुए दिख रहे हैं। अक्सर आबी नबातात के पत्तों और तनों पर पतली मोमी तह पाई जाती है। कुछ नबातात के पत्ते कम चौड़े फीते जैसे पतले होते हैं, इसलिए ये नबातात पानी के तेज बहाव को बर्दाश्त कर सकते हैं। पत्तों के डंठल और तनों में पाए जाने वाले हवा के खाने इन नबातात को तैरने में मदद कर सकते हैं। तो ये तवाफुक होता है इनमें कि इसकी वजह जो मोमी तह है, जो इसमें हवा के लिए मौजूद गड्ढे हैं जिसमें हवा भरी रहती है, ये जो इनके तवाफुक हैं इसकी वजह से ये पानी में अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं, अच्छे से रहते हैं और उनको तवाफुक होने की वजह से वो अपने वहाँ पे मरते नहीं हैं, वो बढ़ते हैं, फैलते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं और अपनी नस्ल भी आगे बढ़ाते हैं। आइए गौर करें, यहाँ पर कुछ सवाल दिए हैं और इन सवालों के जवाब भी जो अब हम बार बार बातें कर रहे थे उनमें ही मिल जाते हैं कि अरबी और कमल के पत्तों की सतह से पानी क्यों फिसल जाता है, क्योंकि मोमी तह चढ़ी हुई रहती है। ये नबातात के पत्ते पानी में क्यों नहीं सड़ते, यही वजह है क्योंकि इसमें अंदर पानी में वो पानी उन मोमी तह की वजह से अंदर की तरफ जाता ही नहीं है। ये नबातात की जड़ें छोटी और रेशेदार क्यों होती है, ताकि वो पानी में तैर सके। अब हम पढ़ेंगे रेगिस्तानी इलाकों की नबातात में तवाफुक। रेगिस्तानी इलाके पानी इलाके वाले इलाके से बिल्कुल अलग रहते हैं, गर्म मौसम रहता है, वहाँ पानी की कमी रहती है, वहाँ के नबातात को बहुत कम पानी मिलता है और धूप बहुत तेज़ मिलती है। अगर उनके जिसमें से पानी वहाँ बनकर उड़ जाए तो वो मर सकते हैं, तो उस हिसाब से इनमें तवाफुक रहता है। एक नागफनी और ज़्यादा पत्तों वाला पौधा अलग अलग गमलों में लीजिए। दोनों गमलों के पौधों के पत्तों की तरफ एक प्लास्टिक की तलिया एक उन्होंने अमल करने को कहा गया कि इस तरह का एक पौधा कैक्टस का लीजिए और एक दूसरा सादा पौधा पत्तों वाला लीजिए, दोनों के ऊपर प्लास्टिक की थैली बांधें उनके पत्तों के ऊपर और दिन भर धूप में रखें। उसके बाद उसका जब आप मुशाहिदा करेंगे तो दोनों थैलियों में पानी की कुछ मिकदार नज़र आएगी, लेकिन दोनों थैलियों में पानी की मिकदार मसावी नज़र आती है नहीं, दोनों में मसावी नज़र नहीं आएगी,
जो इस तरह का पौधा है केक्टस उसमें बहुत कम नज़र आएगी, और जो दूसरा सादा पौधा है उसकी थैली में पानी की मिकदार ज़्यादा नज़र आ जाती, क्योंकि वो ज़्यादा पानी की भाप बन के पानी उसमें फिर बाद में ठंडा होता है और वापस पानी बन बन के हमें नज़र आता है। जबकि जो ये वाला पौधा है केक्टस उसमें पानी बहुत कम भाप बन के निकलता है, इस वजह से उसमें जो पानी वापस जमा होता है वो बहुत कम रहता है। इस तरह से दोनों में फ़र्क रहता है। और रेगिस्तानी पौधों में पत्ते नहीं होते, वो बहुत छोटे या सुईनुमा भी होते हैं और कांटों में तब्दील हो जाते हैं, इस वजह से इनके जिस्म के पानी बहुत मामूली मिकदार में भाप की शक्ल में खारिज होता है। तना पानी और गिज़ा का ज़खीरा करता है, इसलिए वो मोटा हो जाता है। पानी की कमी की वजह से तने को शुआई तरीके का फाल अंजाम देना होता है, इसलिए वो हरा होता है। पौधों की जड़ें पानी की तलाश में ज़मीन के अंदर खूब गहराई तक जाती हैं, जबकि कुछ जड़ें दूर तक फैल जाती हैं। इन नबातात के तनों पर भी मोमी मादे की मोटी तह पाई जाती है। तो हमने आज के इस पार्ट में हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक तो रेगिस्तानी इलाकों की नबातात में तवाफ़ुक़, और एक आबी इलाकों में नबातात में क्या तवाफुक होता है। अब अगले पार्ट में हम इसके आगे बर्फानी इलाकों में, जंगलाती इलाकों में किस तरह से नबातात में तवाफुक होता है, फिर उसके बाद हैवानात में किस किस तरह से तवाफुक होता है वो पढ़ेंगे। आज बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।